नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कहा, न्याय में देरी देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक। श्री मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्ष में 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया गया और 32000 से अधिक कानूनी बाधाओं को हटाया गया। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षित सीमाएं भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लेह में पैदा होने वाली जड़ी बूटी सिबक थॉर्न पर भारतीय डाक ने विशेष कवर जारी किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत हमेशा बातचीत और शांति से समस्या के समाधान के पक्ष में रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया, जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार रखता है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 66 रन का लक्ष्य दिया। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। न्याय में देरी एक ऐसा विषय है जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी न्यायपालिकाएं इस दिशा में काफी गंभीरता से काम कर रही है। बहुत सारे प्रयासों में एक विकल्प ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी है, जिसे राज्य सरकार के स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। हमें राज्यों में लोकल लेवल पर इस व्यवस्था को समझना होगा, इसे कैसे लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पर काम करना होगा। श्री मोदी ने तेजी से मुकदमों को निपटाने में लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के सामने न्याय दिलाने में देरी एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में शाम को भी अदालत में कामकाज शुरू करने की प्रशंसा की। इवनिंग कोर्ट्स में ज्यादातर ऐसे मामले आते थे जो धाराओं के लिहाज से बहुत कम गंभीर होते थे। लोग भी दिन भर अपना कामकाज निपट करके इन कोर्ट्स में आकर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते थे। इससे उनका समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी। इवनिंग कोर्ट्स की वजह से गुजरात में बीते वर्षों में 9 लाख से ज्यादा केसों को सुलझाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और औपनिवेशिक काल के पुराने तथा अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करें। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्ष में हजारों पुराने कानूनों और अनेक कानूनी बाधाओं को हटाया है। देश ने 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। इनोवेशन और ईज ऑफ लिविंग के रास्ते से कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए 32000 से ज्यादा कंप्लायंसेज भी कम किए गए हैं। ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए है और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उच्च न्यायालयों की संयुक्त बैठक का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विचाराधीन कैदियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सभी संबद्ध पक्षों से आग्रह किया था कि वे ऐसे मामलों के तेजी से निपटारे के लिए काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को विचाराधीन कैदियों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट मुकदमों का ऑनलाइन पंजीकरण और वर्चुअल माध्यम से सुनवाई से विचाराधीन मुकदमों की संख्या कम की जा सकेगी। न्याय व्यवस्था को आसान बनाने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने न्यायालयों में मातृभाषा में कामकाज करने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि कानून की भाषा न्याय दिलाने में अड़चन न बने। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सामान्य नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। कानून जब सामान्य मानव की समझ में आता है उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका और कार्यपालिका में समन्वय पर जोर दिया ताकि न्याय दिलाने में देरी न हो। इस सम्मेलन का आयोजन विधि और न्याय मंत्रालय ने किया है। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारतीय कानूनी और न्यायिक प्रणाली से संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और पीयूष गोयल सहित प्रख्यात वैज्ञानिक, उद्योगपति और विज्ञान मंत्रालय तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। ये बैठक परिषद की गतिविधियों की समीक्षा करने और इसके भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए हर वर्ष आयोजित की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और सीमाओं को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण पहलू हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने वर्ष 2047 तक देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार सशस्त्र बलों को स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किए जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देश के पास आधुनिक हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश अगले 10 वर्षों में आधुनिक और प्रभावी जल, थल, आकाश और अंतरिक्ष के लिए रक्षा प्लेटफॉर्मों का निर्माण शुरू कर देगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सुरेंद्रनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा में हिस्सा लिया। ध्रांगधरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार तीर्थस्थलों को पुनर्विकसित कर रही है और देश के समृद्ध धार्मिक विरासत का संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने लोगों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करके गुजरात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दुनिया का ही नहीं देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बनाने की बात हो तो अहमदाबाद में बना है। पहली फाइनेंशियल सिटी देश की बनने की बात हो तो गुजरात में बनने का काम हुआ है। सरदार सरोवर डैम सबसे बड़ा बना हो तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाने का काम किया है और गुजरात के विकास मॉडल को आज देश के कोने कोने तक ले जाने का काम हुआ है तो गुजरात के कारण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये गुजरात का विकास मॉडल ये आज गुजरात गौरव यात्रा के साथ जुड़कर देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किश्त के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रूपये जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी और केंद्रीय रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी माध्यम में आयुर्विज्ञान अध्ययन पाठ्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर MBBS के प्रथम वर्ष की हिंदी पाठ्य पुस्तकें जारी की जाएंगी।
ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन रहा है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प के क्रियान्वयन का परिचायक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज हिन्दी प्रेमी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संगोष्ठियां, परिचर्चाएं सहित अन्य गतिविधियां होंगी। साथ ही शाम को भोपाल सहित सभी जिलों के प्रमुख स्थानों पर हिंदी में ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में कल 16 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 12 नवम्बर को कराए जाएंगे। मतगणना 8 दिसम्बर को होगी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 55 लाख से अधिक मतदाता हैं। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, throw you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal. आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करेगा। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मिस्र के काहिरा पहुंचे। यात्रा के पहले दिन उन्होंने विदेश नीति के विशेषज्ञों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर मिस्र के विदेश मंत्री समी शौकी के साथ पारस्परिक हित के कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। वे मिस्र और भारतीय व्यापार समुदाय की एक सभा को संबोधित भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने और समुद्री सुरक्षा तथा सुरक्षा के लिए कानून बनाने की भारत के संकल्प की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ सहयोग तंत्र स्थापित करने और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण में सहयोग करने में विश्वास रखता है। नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 18वीं बैठक में श्री सिंह ने समुद्री गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा और देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Continued growth in maritime traffic, the potential risk of marine pollution and the requirement of search and rescue consequent to any unwanted maritime incidents have also grown manifold. The oil spill subsequent to the grounding of MV Bokashio at Mauritius and fire on board MV Express Pearl and MT New Diamond off the coast of Sri Lanka have raised the concerns about maritime environmental and the attendant life hazards. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242। देश भर में तुम
मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरो इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और टीवी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाए ढेरो इनाम। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लद्दाख में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लेह में पैदा होने वाली जड़ी बूटी सीबकथॉर्न को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक ने एक विशेष कवर जारी किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से खुबानी का कारगिल उत्पाद के रूप में चयन किया गया है। जम्मू कश्मीर सर्किल पोस्ट मास्टर जनरल नीरज कुमार ने कल लेह में विशेष कवर जारी किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में उत्पाद का प्रचार करना है। उच्चतम न्यायालय ने माओवादियों से संबंध रखने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और चार अन्य को बरी करने के बम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। बम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कल प्रोफेसर जीएन साई बाबा और चार अन्य को बरी करने का आदेश दिया था। सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान हैं। इसके अलावा बैंकों ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश की है। अग्निपथ का वी का पहला बैच जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चौधरी गुंड गांव में एक नागरिक पर आतंकवादियों ने गोलियों से हमला किया। पुलिस ने बताया कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉ तमिलीसाई सौंदर्यजन ने तपेदिक यानी टीबी रोग से मुक्ति के लिए सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने तेलंगाना के टीबी संघ से वर्ष 2025 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले अगले दो वर्षों में तेलंगाना को टीबी मुक्त करने के प्रयास तेज करने को कहा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 5,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,430 नए मामलों की पुष्टि हुई और 2,000 रोगी स्वस्थ हुए। वर्तमान में 26,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कहा, न्याय में देरी देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक। श्री मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में 1,500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया गया और 32,000 से अधिक कानूनी बाधाओं को हटाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षित सीमाएं भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लेह में पैदा होने वाली जड़ी बूटी सीबकथॉर्न पर भारतीय डाक ने विशेष कवर जारी किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत हमेशा बातचीत और शांति से समस्या के समाधान के पक्ष में रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया, जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार रखता है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और क्रिकेट में बांग्लादेश के सिलहट में महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 66 रन का लक्ष्य दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत हमेशा बातचीत और शांति से समस्या के समाधान की आवश्यकता पर बल देता है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में भारत चिंतित है।
श्री पुतिन कल कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब करीब एक महीना पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में शिखर सम्मेलन में कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है, जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति के स्वागत समारोह में यह टिप्पणी की। श्री बाइडेन ने पाकिस्तान पर यह टिप्पणी उस समय की जब वे चीन और रूस के संबंध में अमरीकी विदेश नीति के बारे में बात कर रहे थे। जो बाइडेन की टिप्पणी अमरीका के साथ संबंध सुधारने के शहबाज शरीफ सरकार के प्रयास के लिए एक झटका माना जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम भारत की विदेश नीति पर नए भरोसे की जानकारी लेकर आए हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के समय भारत प्रथम विदेश नीति तैयार करने के लिए देश में आत्मविश्वास और आशावाद की भावना भरपूर है। भारत अपने लिए फैसले करता है और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी से डरने की नहीं है। कोविड महामारी ने वैश्वीकरण के अति केंद्रीकृत मॉडल के खतरों को उजागर किया है। परिणाम स्वरूप इसने विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया है। भारत का संदेश पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का है। इसके अलावा देशवासियों को लाभ प्रदान करना, लेकिन वैश्विक कल्याण, विकास और सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक योगदान देना भी शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारतीय विदेश नीति की सोच अधिक वैचारिक और परिचालन स्पष्टता प्रदर्शित करती है। आई होप दैट यू ऑल्सो शेयर माई बिलीफ that Indian foreign policy thinking is displaying greater conceptual and operational clarity. Whether it is explanation or communication, some of the contemporary catchphrases have been impactful in their public resonance. If you consider neighborhood first, for example, it is now clearly associated with a generous and non-reciprocal approach to our immediate proximity. We envisage India as a larger lifting tide for the entire region. Our investments in connectivity, expansion of contacts and promotion of cooperation have also been noteworthy. वर्ष 1992 से भारतीय विदेश नीति अधिक मजबूत और व्यापार के अनुरूप हो गई है। इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कूटनीति के लिए अपना दृष्टिकोण रखा है। अमरीका जापान के साथ पड़ोसी प्रथम अधिनियम, भारत अमरीका, G20, G7, भारत रूस, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आसियान प्लस, I2U2, 2+2 रूपरेखा पर बल दिया गया है। हाल के दशकों में भारत ने एक अधिक विस्तृत विदेश नीति अपनाई है, जिसमें सार्क द्वारा शुरू की गई पड़ोस प्रथम नीति के साथ साथ अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाने के लिए लुक ईस्ट नीति शामिल है। चाहे कोविड-19 महामारी की चुनौती हो या आर्थिक चुनौतियाँ, भारत ने अपने पड़ोसियों की बढ़ चढ़कर सहायता की है और आगे भी करता रहेगा। विस्तारित पड़ोस की परिकल्पना, एक्ट ईस्ट नीति, सागर दृष्टिकोण, खाड़ी संपर्क और मध्य एशिया पहल के रूप में देखी जा सकती है। भारत की कूटनीति ने स्वाभाविक रूप से प्रमुख शक्तियों, प्रमुख आर्थिक केंद्रों, महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों और प्रभावशाली क्षेत्रीय देशों पर ध्यान केंद्रित किया है। खुले दिमाग और निष्पक्षता के साथ देश अपनी विदेश नीति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण संगठन माना है। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र संगठनों और इसकी शांति स्थापना में काफी सक्रिय है। क्वाड सुरक्षा वार्ता से लेकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख संगठनों का भारत सदस्य है।
भारत विश्व व्यापार व्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकार, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक आयामों के मुद्दों पर वैश्विक बहस और वैश्विक सहमति का हिमायती रहा है। आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। भारत में इस विचार की एक दृढ़ नीति अपनाई गई है और बातचीत की बहाली के लिए पाकिस्तान के बार बार अनुरोध के बावजूद ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कोई भी बातचीत तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगाने के ठोस और सत्यापन योग्य ठोस सबूत उपलब्ध नहीं हो जाते। देश की विदेश नीति के कम चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचाना। दूसरा, एक ऐसा बाहरी वातावरण तैयार करना है जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, ताकि विकास का लाभ देश के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। तीसरा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सुनी जाए और भारत वैश्विक मुद्दों पर विश्व राय को प्रभावित करने में सक्षम हो। और चौथा, भारतीय लोगों को सुरक्षित और संरक्षित करना। आज के आत्मविश्वासी भारत के पास वैश्विक वातावरण में एक नई आवाज है जिसकी जड़ें इसकी घरेलू वास्तविकताओं और सभ्यतागत लोकाचार में मौजूद हैं, साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण हितों की खोज में दृढ़ है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अधिकारियों ने डॉ अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि एक वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉ कलाम के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बांग्लादेश के सिलहट में एशिया कप T20 महिला क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 66 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक दो ओवर में बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए हैं। मिस्र में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही पाटिल ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में स्थान भी पक्का कर लिया है। आज का संस्कृति संदेश केंद्रित है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन पर। '49 से 1971 तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। सच तो यह है कि शंकर जयकिशन की ये जोड़ी शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी और जयकिशन दया भाई पांचाल नाम के दो संगीतकारों की जोड़ी थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस जोड़ी के शंकर सिंह रघुवंशी की, जिनकी आज जयंती है। शंकर सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में हुआ था। संगीत के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। अपने प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने बाबा नासिर खान साहब से तबले की विधिवत शिक्षा ली। इसके बाद प्रसिद्ध संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर से इन्होंने संगीत की बारीकियों को जाना। बहुत कम लोगों को पता है कि संघर्ष के दौर में संगीतकार शंकर ने अभिनय भी किया। बाद में इन्हें मुंबई के पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया। वहीं एक दिन इनकी मुलाकात जयकिशन से हुई और शंकर ने जयकिशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने का काम दिला दिया। बाद में दोनों ने राज कपूर की फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन के नाम से संगीत दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कहा, न्याय में देरी देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक। रक्षा मंत्री ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षित सीमाएं भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लेह में पैदा होने वाली जड़ी बूटी सिबकथॉर्न पर भारतीय डाक ने विशेष कवर जारी किया। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया जो बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार रखता है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।